देखिए स्वराज सेवा दल भ्रष्टाचार पूर्ण खोज के लिए माँ गंगा के तट पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रदेश दौरे पर एक जन आंदोलन के लिए निकल चुका है और आज शुरुआत एचआरडीए से कर दी गई है। एचआरडीए में देखिए एक पुरुषोत्तम बिहार की शिकायत दी गई थी यहाँ पर, उसके चक्कर में हमारा दरोगा सस्पेंड कर दिया और ये दरोगा इसलिए सस्पेंड करा गया ताकि उसके जो बिल्डर है उसके हौसले बुलंद हो सकें और लोग शिकायत करने वालों के हौसले पस्त हो सकें और ये अधिकारी पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। एक अधिवक्ता जी ने यहाँ पर लिखित में एफिडेविट दिए, कम से कम 20 एफिडेविट दिए और उस मकान का काम आज तक नहीं रोका गया क्योंकि वह संवैधानिक पदों से रिटायर हुए हैं और वहीं कई सारे होटलों का गंदा पानी जा रहा है, वो होटलों का निर्माण हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने शिकायत करी लेकिन सचिव साहब के कान से जू नहीं रहेंगी। वहीं एक भूमाफिया काके टुल्ली आशीष शर्मा काके टुल्ली महंत कैलासन जी महाराज जी के जो भवन है वहाँ पर अवैध बने हुए हैं, एचआरडीए ने उस पर भी कोई कार्रवाई। यहाँ पर भ्रष्टाचारी अधिकारी चाहिए, इन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया सचिव ने, अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ललित नारायण मिश्र जी ने 2 मकान उसी दिन सीज करे थे और नए सचिव साहब आए उनके काम से जो भी नहीं रहेंगी।